नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 7 भारत में। आइए संक्षिप्त में जाने, आखिर मनुस्मृति में ऐसा क्या है। ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म कहा गया है। इसके अतिरिक्त वह शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल हो जाता है। नीच वर्ण का जो मनुष्य अपने से ऊंचे वर्ण के मनुष्य की वृत्ति को लोभवश ग्रहण कर जीविका यापन करे तो राजा उसका सब कुछ छीन कर उसे तत्काल राज्य से निष्कासित कर दे। शूद्र धन संचय करने में समर्थ होता हुआ भी शूद्र धन संग्रह न करे, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही सताता है। जिस देश का राजा शूद्र अर्थात पिछड़े वर्ग का हो उस देश में ब्राह्मण निवास न करे, क्योंकि शूद्र को राजा बनने का अधिकार नहीं है। राजा प्रातः काल उठकर तीनों वेदों के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करे और उनके कहने के अनुसार कार्य करे। जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायाधीश होता है उस राजा का देश कीचड़ में धसी हुई गाय के भांति दुख पाता है। ब्राह्मण की संपत्ति राजा द्वारा कभी भी नहीं ली जानी चाहिए, यह एक निश्चित नियम है, मर्यादा है। लेकिन अन्य जाति के व्यक्तियों की संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों के न रहने पर राजा ले सकता है। यदि शूद्र तिरस्कार पूर्वक उनके नाम और वर्ण का उच्चारण करता है, जैसे वह कहे कि देवदत्त तू नीच ब्राह्मण है, तब 10 अंगुल लंबी लोहे की छड़ उसके मुँह में कील दी जाए। यदि शूद्र गर्व से ब्राह्मण पर थूक दे, उसके ऊपर पेशाब कर दे, तब उसके होठों को और लिंग को, अगर उसकी ओर अपान वायु निकाले तब उसकी गुदा को काट दिया जाए। यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के विरुद्ध हाथ या लाठी उठाए तब उसका हाथ कटवा दिया जाए। अगर शूद्र गुस्से में ब्राह्मण को लात मारे तब उसके पैर को कटवा दिया जाए। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण वध के समान दूसरा कोई पाप नहीं है, अतः राजा ब्राह्मण के वध का विचार मन में भी न लाए। शूद्र यदि अहंकारवश ब्राह्मण को धर्मोपदेश करे तो उस शूद्र के मुंह और कान में राजा गर्म तेल डलवा दे। शूद्र को भोजन के लिए जूठा अन्न, पहनने के लिए पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान का पुआल और फटे पुराने वस्त्र देने चाहिए। बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेढक, कुत्ता, गोह, उल्लू, कौवा, किसी एक की हिंसा का प्रायश्चित शूद्र की हत्या के प्रायश्चित के बराबर है, अर्थात शूद्र की हत्या कुत्ता बिल्ली के बराबर है। शूद्र यदि ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे तब राजा उसकी पीठ को तपाए गए लोहे से दगवा कर अपने राज्य से निष्कासित कर दे। राजा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेक यज्ञ करे और धर्म के लिए ब्राह्मणों को स्त्री, गृह सैया, वाहन आदि भोग साधन पदार्थ तथा धन दे। शूद्र लोग बस्ती के बीच में मकान नहीं बना सकते, गांव या नगर के समीप किसी वृक्ष के नीचे अथवा शमशान या पहाड़ी उपवन के पास बसकर अपने कर्मों द्वारा जीविका चलाए। ब्राह्मण को चाहिए कि वह शूद्र का धन बिना किसी संकोच के छीन ले, क्योंकि शूद्र का उसका अपना कुछ नहीं, उसका धन उसके मालिक ब्राह्मण को छीनने योग्य है। स्त्रियों का वेद से कोई सरोकार नहीं होता, यह शास्त्र द्वारा निश्चित है। अतः जो स्त्रियां वेदाध्ययन करती हैं वे पाप युक्त हैं और असत्य के समान अपवित्र हैं, यह शाश्वत सत्य है। शूद्र की उपस्थिति में वेद पाठ नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का नाम शुभ और आदर सूचक, क्षत्रिय का नाम वीरता सूचक, वैश्य का नाम संपत्ति सूचक, शूद्र का नाम तिरस्कार सूचक हो। मनु के इस कानून से अनुमान लगाया जा सकता है कि शूद्रों, अति शूद्रों और महिलाओं पर किस प्रकार कितने अमानवीय अत्याचार हुए होंगे। हमें जानना होगा, हमें समझना होगा और एक्चुअल इतिहास को जानना होगा, तभी भारत को फिर से बुद्धमय भारत, सुखमय भारत, सम्राट अशोक का विश्व विजेता भारत, सोने की चिड़िया भारत हम बना पाएंगे।
मित्रों, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप हमें डोनेशन करना चाहते हैं, अगर आप हमें मजबूत करना चाहते हैं कि लगातार हम कंटेंट बनाते रहें, तो ये जो स्कैनर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इसको स्कैन करके हमें डोनेट जरूर करिए, लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको और किस तरह के वीडियोज देखने हैं और आप और किन विषयों पे वीडियोज देखना चाहते हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।